हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमसीबी का कनेक्शन करना बताएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके घर के मेन लाइन में एमसीबी लगा हुआ है और वो किसी कारणवश ट्रिप कर जाता है और आपको पता नहीं चलता कि बिजली चली गई या एमसीबी डाउन हो गया, यही इस वीडियो में मैं बताऊंगा। यदि आपके घर का लाइन चालू है तो बगल में लगे होल्डर की लाइट जलेगी, और यदि आपका एमसीबी ट्रिप कर जाएगा तो साइड में लगी इंडिकेटर ग्लो करेगी, इससे आप पता लगा सकते हैं। चलिए अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। देखिए, हमारे होल्डर में दो टर्मिनल हैं और ये हमारे पास 16 एम्पियर का एमसीबी है, एंकर कंपनी का। इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं और इंडिकेटर में भी दो टर्मिनल है, और मेन लाइन में लगाने के लिए इस तरह का हम पावर प्लग लेंगे। चलिए अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। देखिए, पावर प्लग के एक एंड को एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। देखिए, पावर प्लग के एक एंड को एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। और पावर प्लग के दूसरे एंड को होल्डर के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, यदि हमारा यूट्यूब चैनल पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर हम एक और इस तरह का वायर लेंगे एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल में, वायर के एक एंड को कनेक्ट कर देंगे। और वायर के दूसरे एंड को होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें तभी आप एमसीबी का कनेक्शन करना सीख पाएंगे। देखिए, हम पावर प्लग के एक एंड को एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किया और दूसरे एंड को ब्लैक कलर की वायर जो है पावर प्लग की हम होल्डर के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए, और फिर एक वायर लिए एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल और होल्डर के दूसरे बचे हुए टर्मिनल में हम वायर को कनेक्ट कर दिए। अब हम इंडिकेटर की भी वायरिंग कर लेते हैं। देखिए, हम इस तरह की दो वायर लेंगे और दोनों वायर को हम इंडिकेटर के टर्मिनल में कनेक्ट कर लेंगे। देखिए, हम एक वायर को इंडिकेटर के टर्मिनल में कनेक्ट कर लिया और दूसरे वायर को भी दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, और दोनों वायर को हम एमसीबी के टर्मिनल में कनेक्ट कर लेंगे। इंडिकेटर का जो वायर है हम एक एंड को एमसीबी के टर्मिनल में कनेक्ट कर लेंगे। और दूसरे एंड को
एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लेंगे। दूसरे एंड को एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इंडिकेटर का और एमसीबी का और होल्डर का कनेक्शन कर लिया है। आप इस वीडियो को देखकर आसानी से अपने घर में एमसीबी का कनेक्शन करना सीख पाएंगे। देखिए, जो पावर प्लग है, एक मैंने होल्डर के टर्मिनल में डाला और दूसरा एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में, और फिर हम एक और वायर लिए थे एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल और होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया, और फिर इंडिकेटर के टर्मिनल में वायर को कनेक्ट किया और ऊपर वाले टर्मिनल में एमसीबी के टर्मिनल में कनेक्शन कर दिया। फिर हम इसी तरह हम इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल और एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल में ब्लैक कलर के वायर को कनेक्ट कर दिया। चलिए हम इसमें पावर दे देते हैं। फ्रेंड्स, पावर देने से पहले हम होल्डर में बल्ब को लगा लेंगे। देखिए, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, और जैसे ही आपके घर में या कहीं पे शॉर्ट सर्किट होगा तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगा और साइड वाली इंडिकेटर ग्लो करेगी। इसे आप पता लगा सकते हैं कि बिजली नहीं गई है। हमारा जो घर का मेन एमसीबी है, मेन लाइन में जो लगा हुआ एमसीबी है, वो ट्रिप कर गया है। देखिए, जब लाइन चालू रहेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और जैसे ही एमसीबी ट्रिप करेगी इंडिकेटर ग्लो करेगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलता हूँ दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।